हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर कॉलेज के बाहर स्टूडेंट पर लाठीचार्ज, एनएसयूआई और निर्दलीय कैंडिडेट के समर्थक आमने सामने, विरोध में धरने पर बैठे छात्र। पीजी कॉलेज के दो उम्मीदवारों के समर्थक सोमवार शाम आमने सामने हो गए। दो साल बाद हो रहे कॉलेज चुनाव का रंग परवान चढ़ने लगा है। सोमवार को पीजी कॉलेज में एनएसयूआई एबीवीपी संगठन व निर्दलीय उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। वहीं गर्ल्स कॉलेज में दोनों संगठनों के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया। पीजी कॉलेज में नामांकन दाखिल करने के दौरान एनएसयूआई व निर्दलीय उम्मीदवार रैली निकाल कर कॉलेज पहुंचे। इस दौरान दोनों उम्मीदवारों के समर्थक नारेबाजी करते हुए आमने सामने हो गए। पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए दोनों के समर्थकों को बाहर खदेड़ा। इसके बाद एबीवीपी उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ रैली निकाल कर पहुंचे। कॉलेज छात्र संघ चुनाव 2022 की पीजी व गर्ल्स कॉलेज के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। पीजी कॉलेज में सुबह से स्टूडेंट्स व युवाओं का आना जाना लगा हुआ था। वहीं प्रशासन ने भारी पुलिस बल भी तैनात किया हुआ था। पीजी कॉलेज में कोतवाली, सदर, ग्रामीण थानों के सीआई व साथ ही पुलिस जाप्ता तैनात किया गया। स्टूडेंट आमने सामने होने के बाद रीको थाने के थाना अधिकारी को भी बुलाया गया। नामांकन दाखिल करने के दौरान एबीवीपी, एनएसयूआई व निर्दलीय उम्मीदवार अपने अपने समर्थकों के साथ रैली निकाल कर कॉलेज पहुंचे। पीजी कॉलेज के आगे एनएसयूआई मानाराम लेघा व एबीवीपी के बागी उम्मीदवार शिवकरण व कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए आमने सामने हो गए। दोनों के बीच ज्यादा खींचतान होते देख पुलिस ने स्टूडेंट्स व युवाओं को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। स्टूडेंट्स व युवा भागने लगे। इस दौरान एक दूसरे पर गिर भी गए। इसमें युवाओं को हल्की चोट भी आई है। गोतवाल गंगाराम के मुताबिक पहले से ही उन्हें अंदेशा था, इस वजह से सर्किल के पुलिस सीआई व थाना अधिकारी के साथ जाप्ता तैनात किया गया था। पहले के एनयूसीआई व फिर निर्दलीय उम्मीदवार सामने, इन दोनों में समय का अंतर कम था, इस वजह से दोनों आमने सामने होकर नारेबाजी करने लगे। हमें लगा कि कहीं आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए स्टूडेंट्स को समझा कर व डरा कर वहां से रवाना कर दिया गया। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।